हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको शिबा इनू के दो रीजन बताने वाला हूं कि क्यों इसकी प्राइस जबरदस्त ऊपर जा सकती है। वो दोनों रीजन क्या है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, इसलिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम कट टू कट पॉइंट पे बात करता हूँ। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं कि शिबा इनू की प्राइस ऊपर क्यों जा सकती है। तो शिबा इनू है ना, इथेरियम से इन्फ्लुएंस्ड है और ये इथेरियम नेटवर्क पे भी बना हुआ है। और आपको ये तो पता ही होगा इथेरियम का प्लान है इथेरियम 2.0 में अपग्रेड करने का, जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जब ये होगा तो आपको इथेरियम की प्राइस ज़बरदस्त ऊपर देखने को मिलेगी। तो जैसे ही इथेरियम की प्राइस ऊपर जाएगी तो वैसे ही चेंजेस आपको शिबा इनू में भी देखने को मिलेंगे। शिबा इनू की प्राइस भी ग्रेजुअली उसी तरीके से ऊपर उठेगी। शिबा इनू भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा क्योंकि ये इथेरियम के नेटवर्क पे बिल्ट है। ठीक है, तो आपको पहला रीजन तो क्लियर हो गया होगा कि शिबा इनू की प्राइस ज़बरदस्त ऊपर क्यों जा सकती है। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं कि शिबा इनू ने बहुत सारे जो नए फीचर लाने का प्रॉमिस किया है, उनमें से एक फीचर तो ये है कि वो NFT मार्केट लाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो जो यूजर्स हैं वो नॉन फंजाइबल टोकन्स होते हैं उनको बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। यही नहीं, शिबा इनू ने शिबा आर्टिस्ट इक्यूबेटर है वो भी लॉन्च कर दिया है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे यही बात नहीं होती है, मैं ये दो ही रीज़न नहीं है, आपको और भी रीज़न बताता हूँ कि शिबा इनू की प्राइस ऊपर क्यों जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे एक और रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे ये बोला जाता है कि शिबा इनू डोज को इनको पछाड़ सकता है, डोज किलर है, तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर अच्छी खासी चली जाए। क्योंकि यहाँ एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि यहाँ पे इनका एक शिबा स्वैप लाने का भी प्लान है, और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी वॉच लिस्ट में शिबा इनू है। जब वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे, इसको एक्युमुलेट करने लग जाएंगे, तो आपको शिबा इनू की प्राइस और भी अच्छी खासी ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा खासा ऊपर गया ना, क्योंकि वहाँ पे लोगों की नज़र पड़ी। और इथेरियम के फाउंडर है विटालिक, उन्होंने ये भी बोला था कि इथेरियम के बारे में इतने लोगों को पता नहीं चला अब तक, लेकिन डोज कॉइन की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी हुई कि वो इथेरियम से भी ज़्यादा जानने लग गए लोग उसको। उसी तरीके से अगर शिबा इनू में भी ऐसा होता है, शिबा इनू भी बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होता है, इसकी कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है और ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो यहाँ पे इसकी भी प्राइस अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। तो ये दोनों, डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, ये जोक कॉइन थे और आज ये सीरियस क्रिप्टो करेंसी बन चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इनके अच्छे अच्छे प्लान है। इथेरियम का जैसे अपडेट आएगा वो अपग्रेड करेगा तो उसकी अच्छी खासी प्राइस जाएगी, तो यहाँ शिबा इनू की भी अच्छी खासी एज वेल प्राइस बढ़ेगी। और NFT मार्केट लाने वाले हैं, इनका शिबा स्वैप लाने का भी प्लान है, और यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी वॉच लिस्ट में है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे शिबा इनू की प्राइस ऊपर जा सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे उतना ही अमाउंट लगाना है जितना आप लूज कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई डर ना हो। मैंने भी इतना ही अमाउंट लगाया, मेरे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8,000 के समथिंग यहाँ शिबा इनू का ख़रीदा था और आज इसकी इतनी वैल्यू है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात है कि आपको उतना ही शिबा इनू लेना है, ऐसी क्रिप्टोकरेंसी में उतना ही इन्वेस्ट करना है जिसमें अगर आपका वो अमाउंट चला भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आपका रिस्क फैक्टर कितना है, जैसे मान लो मेरा रिस्क फैक्टर इतना है तो मैंने इतना ले लिया, अब आप मेरे से कंपेयर मत करने लग जाना कि भाई ने इतना लिया तो हम भी इतना ही लेंगे। हो सकता है आपका रिस्क फैक्टर मेरे से ज़्यादा हो, हो सकता है आपका रिस्क फैक्टर मेरे से कम हो। आपके अकॉर्डिंग सारा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना, यू नहीं कि आप अपना पूरा अमाउंट इसी में लगा दो कि यार ये तो जाएगा, बहुत सस्ता भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे पूरा सोच समझ के चलना होता है, दोनों साइड देखनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको शिबा इनू के बारे में पूरा A to Z बता दिया है। अगर और भी कोई चीज़ होगी बताने लायक तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के बता दूंगा। वीडियो में अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।